हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएल न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं, जी हां, आरपीएन सिंह से। कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में अब इस्तीफे की घड़ी झड़ी लग गई है। जी हाँ, फेहरिस्त लंबी फेहरिस्त दिखती नजर आ रही है, क्योंकि आरपीएन सिंह के बाद मनीष जायसवाल ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। दरअसल ये माना जा रहा है कि आरपीएन सिंह ने जो पार्टी छोड़ी है, उसके बाद उन्होंने पार्टी को लेकर बड़ा खुलासा किया। आरपीएन सिंह ने यह बताया कि वो पार्टी कांग्रेस पहले वाली नहीं रही है जो अब दिखती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि आज बहुत बड़े हद तक पार्टी में बदलाव हो चुका है, और सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर आरोप भी कई लगाए। तो वहीं देखा जा रहा है कि आरपीएन सिंह के इस्तीफा देने के बाद मनीष जायसवाल ने भी इस्तीफा दिया। इसका साफ मतलब यह है कि चुनावों से पहले कांग्रेस टूटती नजर आ रही है। अगर चुनाव से पहले कांग्रेस इसी तरह टूटती रही तो उसका बड़ा फर्क चुनाव पर देखने को मिलेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी लगातार नेताओं को समझाने बुझाने में लगी है। लगातार पार्टी नेताओं को समझाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई प्रियंका गांधी जो रणनीति बना रही हैं, जिस तरह से नेताओं को समझाने की कोशिश कर रही हैं, जिस रणनीति के तहत काम कर रही हैं, इसका फायदा उन्हें मिल पाएगा। लेकिन मौजूदा समय में हालात कुछ इस तरह के दिखते नजर आ रहे हैं कि प्रियंका गांधी की मुश्किलें चुनाव से पहले बढ़ रही हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।